तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यू आर वाचिंग तासिर व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले बिना कुछ देरी शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, है गाइस, आज का व्लॉग हमें भी पता नहीं आज के व्लॉग में क्या होगा, मैं किस तरह आपको एंटरटेन कर सकूँ। तो इस वक्त हमारे साथ डार साहब हैं। डार साहब को भूख लगी है तो हमें पहले इसके चाय पिलाएंगे। मैं नहीं पिलाऊंगा, ये खुद पिलाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है। कोई नहीं, हम इनको चाय पिलाएंगे। हम कॉलेज थे, कॉलेज से बाहर निकले थोड़ा सा, अभी एक दो क्लासे हो रहे, फिर हम जाएंगे फिर से कॉलेज वापस। A few inches later. तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे चंद दोस्त मिल गए, तो जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, जो अबाबिल में काम करते हैं, जो अभी कोई कहीं कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी ऐसा ऐसा जो होता है ना, वो सबसे पहले ये वहाँ पहुँचते हो और वहाँ इनकी जो रेस्क्यू टीम होती है अपनी, सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। तो इनके लिए दिल से सलूट, बहुत अच्छा मेहनत काम करते हैं, तो अल्लाह इनके काम में बरकत दे। और क्या ही बोले, तो ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं तो कोई मसला नहीं। तो भाईजान को, भाईजान के लिए दुआ करते रहें या ऐसे नेक काम करते रहें और अल्लाह इनके काम में बरकत दे और अल्लाह इनको बहुत लंबी उम्र दे। शुक्रिया। तो मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया अबाबिल के चंद दोस्तों के साथ। वो इस वक्त जा रहे हैं डूल, किसी जगह एक पुल टूटा है जिसकी वजह से उनको वहाँ पर राशन दरियाफ्त नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो अभी एक गाड़ी लेके चले गए जिनमें गाड़ी फुल लोडेड थी राशन से। तो वह एक डूल चले, कहीं तो पुल टूटा है किसी वजह से, उनको जहाँ वहाँ लोग रहते हैं, जहाँ वहाँ के लोग, उनको राशन नहीं पहुँच रहा है। तो अल्लाह इनके कामों में बरकत दे, अल्लाह इन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दौर में। यार मैं होता हूँ कि कुछ नया करूँ, आप तक एक नई बात पहुँचाऊँ। तो ये रास्ते से जा रहे थे अबाबिल वाले, तो मैंने भी 2 मिनट रोका तो उनसे पूछना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि वो कहते कि हमें दिखावे के लिए काम नहीं करते, बस हम अपने दिल के लिए करते हैं, हमें तसल्ली के लिए हम काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह की राह के लिए काम करते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके लिए दिल से बहुत बहुत मोहब्बत। और शेब भाई भी उनके लिए कुछ कहना कहे क्या ये क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस वक्त में चाय पीने आया था, रात से कुछ चाय पिला रहा हूँ। तो ये बोल रहे कि तू भी अब स्कूटी ला, वही यार हम भी मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि लोग मोटो ब्लॉगिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इस वक्त, यानी कंपेयर टू पर्सनल ब्लॉगिंग है। तो देखते हैं, अब हम भी करेंगे ट्राई, इसको तो अपनी स्कूटी है, देखते हैं लेगा कब दूसरा चैनल का। तो अब हम देखते हैं करते कि मोटो ब्लॉगिंग की नहीं। तो वैसे तो मन ही नहीं करते हैं ठंड में मोटो ब्लॉगिंग करना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना, ठंड में मजा आएगा जून जुलाई में, यानी मई में जब गर्म हवा कानों में आएगी ना, क्या ही मजा आएगा था मोटो ब्लॉगिंग करने का। तो देखते हैं अब स्कूटी में क्या मोटो ब्लॉगिंग होगी, बाइक तो होनी जरूरी है, तो बाइक का उतना सिस्टम नहीं है। तो देखते हैं अब क्या। तो एक बात आई ना, मुझे पता नहीं, तो इसको पता होगा कि कोई ऐसा है यूट्यूबर जो ना मोटो ब्लॉगिंग कंटिन्यू करता है कोई इस नजर में, कोई बड़ा यूट्यूबर हो, यानी जो अभी स्टार्ट करते हो, मैंने देखे अच्छा व्यूज आते हैं। तो देखते हैं अगर होगा तो फिर उन्हीं के उनका हम थोड़ा बहुत कॉपी करेंगे, वो किस तरह की मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। ये देखिए, शेफ डार ने मुझे अपना ही चैनल अपने ही नाम का एक बंदा दिया, ये मोटो ब्लॉगिंग करता है, इसके लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर से, क्या कहने, तेरा नाम चोरी कर लिया इसने। क्या बोले अबे? One hour later. कहां से आए हो आप? मंगल ग्रह से। वो सागर खोड़ में पाद भी नहीं, क्या गो दब दब बचपन से खाया। तो ये हमारे कुछ भाई जाने यहाँ जो कॉलेज में आए थे, इनको क्लास ही नहीं लगती यार, क्लास ही नहीं मिल रही। नहीं, क्लास तो लगती हमारी, लेकिन स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो सर ने बोला कि आज नहीं कल पेपर के बाद। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले अपना मास्क उतार दीजिए। भाई सब जानते हैं हमें अब मास्क उतार के क्या फायदा है, नहीं ये दिखा दे, कोविड का दौर है। अच्छा, थर्ड वेव कमिंग सून, सो प्लीज अगेन वेयर योर मास्क प्रॉपरली तो थोड़ा सा ये नीचे ऊपर करूंगा।
so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. तो कॉलेज से वापस आने के बाद क्योंकि बारिश पड़ रही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही थी, इसलिए कोई उसके बाद शूट नहीं लिया, तो अब सीधे मैं जाऊंगा वीडियो अपलोड करने। तो आज के व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।